आपकी सर वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें आपने बोला कि अगर लाइफ एंजॉय करनी है तो फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, तो वो बात बहुत दिल को लगी मेरे। मैंने कहा ठीक है, डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन ये है कि आपको कोई काम ना करना पड़े और आपके पास इनकम इतनी आ रही हो कि आपका गुजारा अच्छी तरह से हो जाए। ये शॉर्ट यही आपने बताया। तो नंबर्स में बता सकते हैं? नंबर में कुछ $10,000 शायद बताए थे। $10,000 मंथली आप कुछ करना चाहिए। यू शुड हैव $1,000 विदाउट वर्क और 1 million दे रहा हूँ, आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। जो फर्स्ट थिंग थी यहाँ पे हमेशा आपको देखते रहते हैं, यू आर दी ओनली वन के जो फाइनेंशियली फ्रीडम की बात करते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंस हैं यहाँ पे, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं कहता कि आप ये जॉब छोड़ें और जो इसमें आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आएँ। तो मेरी पॉकेट में इतने पैसे होने चाहिए कि अगर मैं बाहर जाऊँ किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ तो मुझे वो चीज़ जो लेनी है ले पाऊँ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं। कोई चाहता है कि वो हम ये देखते हैं कि मैं कितना कमा पाता हूँ। आप एक जॉब में फंसे हुए, हालांकि अगर आपको पता चले कि 25,000, 20,000 या 15,000 दिरहम की एक फिगर है, हो सकता है अपॉर्चुनिटी मौजूद हो, लेकिन बंदा क्या कर रहा होता है, वो जो मैं कहता हूँ ना सिस्टम में जब फंसा हुआ होता है, वो लगता है कि अपॉर्चुनिटी मौजूद ही नहीं है, हालांकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक अगर आप फिगर बना लेना एवरेज, जो मुझे समझ आ रही है आप सारे लोग कह रहे हो 15,000, तो 15,000 पहला टारगेट है। आप 15 लाख कमाओ महीने के, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्लान बना लें। पहला टारगेट है कि 15,000, अगर वो नहीं पूरा हो रहा, एक तरफ आपकी जॉब है जहाँ से आप 7,000, 5,000, 10,000 कमा रहे हैं, तो जो गैप है आपने वो पूरा करना है, तो वो कैसे होगा, उस प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ आप चलेंगे। तो उसमें सिंपल मैंने बताया था कि ऑनलाइन सबसे, अगर आप पढ़े लिखे हो, ईजी चीज़ है। अब ऑनलाइन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ई कॉमर्स की बहुत सारे लोगों ने बात की, डिजिटल मार्केटिंग। पर्सनली मैंने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था, सबसे पहले स्किल जो मैंने सीखी थी वो थी डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपका ब्रेन एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है, फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो। एग्जाम्पल बींग डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया, ऑनलाइन आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज दुनिया को दिखानी है पैसा लगा के, ठीक है। तो आपका फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, आप कोई चीज़ बेच रहे हो, हमारी प्रोडक्ट जिस तरह पिंक सॉल्ट है, उसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अब पिंक सॉल्ट दुनिया को वैसे उसके लिए तलाश नहीं कर रही, क्योंकि ये नेसेसिटी नहीं है, लेकिन मैं क्या किया कि हमने एक स्टोर बनाया, मुझे पता था कि ये कौड़ियों के दाम कोई और लोग खरीदते हैं, फिर सैकड़ों डॉलर की पूरी दुनिया में बेचते हैं, तो हम खुद क्यों ना करें। तो वहाँ से एक सेटअप बनाया, यहाँ क्या करना है शुरू कर दिया एडवर्टाइज, उसका फेसबुक का पेज बना, वेबसाइट बनी। अब हमारे पास फिगर आ गई, यानी फिगर्स क्या आ गई कि हमारा 20-30 दिरहम लगते हैं, हमें एक ऑर्डर आ जाता। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है, अगर आपको वो समझ आ जाए, फिर आपके अपने जितनी भी आपकी उम्रें हैं, आपने कम से कम 100 बिजनेस आइडिया तो सोचे होंगे, बिजनेस का कोई आपको थोड़ा सा कीड़ा है इसलिए आप यहाँ पे आए हो तो आपने कम से कम हर कोई सोचता रहता है। और इस स्किल के जरिए आई फील कि जो भी कोई बड़ा काम करना चाहता है, आई फील कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे अंदर है वो सबसे ज़्यादा इस डिजिटल मार्केटिंग का है, क्योंकि मैं खड़े खड़े नंबर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ कि ये प्रोजेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा कितना पैसा लगेगा, मुझे कितना रेवेन्यू आएगा।